वेलकम बैक प्रो टेक्निक पंडित, मैं हूं सत्यम और आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के फोर्थ सेमेस्टर के बारे में और फोर्थ सेमेस्टर का ये सिलेबस है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रो टेक्निक और पंडित, ठीक है, तो ये SBT द्वारा जारी किया गया फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है। ठीक है, तो सिलेबस किसका है, तो एग्रीकल्चर का सिलेबस है। किसका सिलेबस है, एग्रीकल्चर का सिलेबस, ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का सिलेबस है। तो चलिए सबसे पहले हम एग्रीकल्चर सिलेबस में देख लेते हैं कि भाई क्या क्या हमें पढ़ना है। तो एग्रीकल्चर सिलेबस के अंदर हमें 5 पेपर पढ़ना होता है, ठीक है, और 2 प्रैक्टिकल देना होता है और 3 टर्म वर्क रेडी करना होता है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई हमारे जो 5 पेपर है वो 5 पेपर कौन कौन से है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ आपको शो हो रहा होगा, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ शो हो रहा होगा, क्या शो हो रहा होगा, पहला जो पेपर है हमारा सॉइल साइंस एंड सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है, पहला पेपर है। ठीक है, इसके अंदर हमें सॉइल के बारे में, मतलब मिट्टी, सॉइल मतलब होता है मिट्टी, ठीक है, तो मिट्टी के बारे में और उसके स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में, फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करना होता है। जब हम इसके इसको और अंदर टॉपिक वाइज देखेंगे तो बताएंगे आगे। ठीक है, सेकेंड वाला हमारा जो है क्या है, मशीन ड्रॉइंग, ठीक है, ये बहुत थोड़ा सा मतलब हार्डली होता है, ठीक है, क्योंकि जो नए नए आते हैं उनको उतना ज़्यादा इस पर कमांड होता नहीं है, ठीक है, मशीन ड्राइंग पे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। चलिए इसके अंदर ही बताएंगे क्या क्या हमें डायग्राम वगैरह, क्या क्या हमें स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में स्टडी करना होता है। थर्ड हमारा जो है हाइड्रोलिक एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, तो हाइड्रोलिक एंड फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हमें क्या 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 पढ़ना होता है, हमें जानना होता है कि क्या हमारा जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है, और भाई वो किस लॉ पे क्या करता है, वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ हमें हाइड्रोलिक और फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पढ़ना होता है। हमारा फोर्थ नंबर जो टॉप पेपर है वो है फार्म पावर एंड ट्रैक्टर, ठीक है, फार्म पावर एंड ट्रैक्टर मतलब क्या, हमारे ट्रैक्टर वगैरह के बारे में, भाई हमारा ट्रैक्टर क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट वर्क करते हैं, और हम जब कृषि करते हैं, ठीक है, जब हम तो उसके अंदर कौन कौन से पावर का यूज लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से पावर यूज करते हैं, तो ये सारे चीज जो है हमारा क्या है, फार्म पावर एंड ट्रैक्टर के अंदर आता है। अब जो हमारा लास्टली और 5वां है वो क्या है, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी जो ITI करके आएंगे उनको थोड़ा सा इजी वे लगेगा, क्यों, क्योंकि वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के अंदर हमें बस क्या क्या मटेरियल के बारे में पढ़ना होता है, कौन कौन सा, जैसे आयरन हो गया, ठीक है, तो ये सब का मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, कैसे ज्वाइंट करते हैं, तो ये सारी चीज़ जो है हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, और भी ये तो बात हो गया 5 पेपर के बारे में, ठीक है, ये तो बात हो गया हमारा 5 पेपर, ठीक है, ये बात हो गया हमारे का क्या, 5 पेपर के बारे में, जो हमारा 5 पेपर होता है, ठीक है, पेपर होता है जो कि एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो 2 प्रैक्टिकल होता है भाई वो कौन कौन सा होता है, तो चलिए देख लेते हैं 2 प्रैक्टिकल। ठीक है, हमारा जो दो प्रैक्टिकल इसके अंदर होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, फार्म पावर, ठीक है, पहला प्रैक्टिकल हमारा कौन सा है, फार्म पावर ट्रैक्टर लैब एंड वर्कशॉप टेक्नोलॉजी लैब। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिकल है, ठीक है, इसका क्या करना पड़ता है, कॉपी रेडी करना होता है 2 ठो, और आपको कॉलेज के अंदर क्या करना पड़ता है, सबमिट करना होता है। ठीक है, और इसका क्या एग्जामिनेशन भी कॉलेज में देना होता है, अदरवाइज, और आपके पास एक टर्म वर्क। ठीक है, अब हम बात करते हैं टर्म वर्क की, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना होता है इसमें, ठीक है, इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल के अंदर कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं करना होता है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं, ठीक है, टर्म वर्क के बारे में कि भाई टर्म वर्क क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टर्म वर्क क्या होता है। ये देख रहे हो, टर्म वर्क हमारा कितना टर्म वर्क है, 3 टर्म वर्क है। ठीक है, हमारा जो है 3 टर्म वर्क है, तो इस 3 टर्म वर्क के अंदर क्या क्या करना होता है, तो मशीन ड्रॉइंग, ठीक है, जैसा हम बताए हैं, तो इसका 6-7 सीट रेडी करना होता है। सीट कहने का मतलब वो डायग्राम वगैरह, ठीक है, कार्डबोर्ड पे बना के क्या करना पड़ता है, जमा सबमिट करना होता है कॉलेज में। ठीक है, तो ये मशीन ड्राइंग, फिर क्या, हाइड्रोलिक एंड फ्लूइड मशीन, ठीक है, इसका क्या करना पड़ता है, कॉपी रेडी करना पड़ता है, क्लिक के उसके अंदर TW से टर्म वर्क समझिए, मतलब लिख के, ठीक है, सब कुछ कॉपी वगैरह रेडी करना है। फिर एक है सॉइल साइंस एंड सॉइल मैकेनिक्स, इसका भी क्या करना पड़ता है, कॉपी रेडी करना पड़ता है और इसको कॉलेज के अंदर सबमिट करना होता है। ठीक है, इसका एग्जामिनेशन नहीं होता टर्म वर्क, सबसे बड़ी बात यही है। ठीक है, टम्बक का क्या होता है, एग्जामिनेशन नहीं देना होता है। अब क्या बात, अब देखते हैं हम, ठीक है, हाँ, थोड़ा सा इसके अंदर और क्या देख लेते हैं कि भाई ये जो हमारा एग्जामिनेशन है, ठीक है, इसके अंदर हमें 400 का एग्जामिनेशन देना होता है कॉलेज के अंदर। ठीक है,
ये जो 400 है ये कॉलेज के अंदर हम क्या करते हैं एग्जामिनेशन देते हैं 400 का, 400 नंबर जो है हमें कॉलेज देती है, ठीक है। तो 400 में 400 नहीं दे देगी, मतलब जितना आप लाते हैं उतना मिलता है आपके पास, ठीक है। अब है हमारा जो है 350, ठीक है, मतलब 350 नंबर। 350 नंबर जो है वो एक्सटर्नली आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ता है, जहाँ सेंटर पड़ता है वहां जाके आपको देना पड़ता है, तो इसमें आप जितना ला सके, ठीक है। ये हो गया बात सिलेबस के बारे में, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा टॉपिक वाइज, कि टॉपिक वाइज क्या स्टडी करना है, ठीक है। तो पहला जो हमारा पेपर था क्या था, सॉयल साइंस एंड सॉयल मैकेनिक्स पहला पेपर था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, पहला पेपर हमारा क्या है, सॉयल साइंस एंड सॉयल मैकेनिक्स, ठीक है, पहला पेपर है। तो पहला पेपर के अंदर है, जैसा आप स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है, क्या शो हो रहा है, सॉयल एंड सॉयल परफॉर्मेंस, ठीक है, फॉर्मेशन, ठीक है। तो क्या कहने का क्या मतलब है कि भाई सॉयल एंड सॉयल के फॉर्मेशन के बारे में, मिट्टी और मिट्टी कैसे बनता है, ठीक है, मिट्टी कैसे बनता है उसके बारे में हमें इसके अंदर प्रॉपरली हमें क्या करना है, स्टडी करना है। फिर क्या है, सॉयल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयल, मतलब टोटली के टोटली हमें इसके अंदर सॉयल के बारे में ही स्टडी करना है। किसके अंदर, सॉयल साइंस एंड सॉयल मैकेनिक्स के अंदर, इस पेपर के अंदर, इस पेपर के अंदर हमें टोटली हमें सॉयल मिट्टी के बारे में जानना होता है, भाई मिट्टी का फॉर्मेशन कैसे होता है, मिट्टी बनता क्या है, मिट्टी का स्ट्रक्चर क्या होता है, कितना डेंस होता है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। चलिए जैसा कि आप देख ही रहे हैं, शो करके हम दिखा रहे हैं आपको टोटली, ठीक है, ठीक है, बेसिक मतलब हर एक चीज, ठीक है, बेसिक डिफिनेशन, ये हर एक चीज, कंपोनेंट वगैरह, ठीक है, टोटली स्टडी करना है। अब जो हमारा सेकेंड पेपर था, कौन सा पेपर था, मशीन ड्राइंग, ठीक है, हमारा जो सेकेंड पेपर था कौन सा था, मशीन ड्राइंग, ये देखिए मशीन ड्राइंग, ठीक है। इसका क्या करना पड़ता है, सीट वगैरह रेडी करना पड़ता है, जैसा कि हमने आपको बताया था भाई क्या कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना होता है इसके अंदर, तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। जैसा हमने बताया था कि टॉपिक वाइज हम बताएंगे, देखिए इधर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, पीरियड ऑफ प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड ही पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, सिंपल मतलब मॉडल्स, मतलब इसके अंदर आइसोमेट्रिक, ऑर्थोग्राफिक, ठीक है, देखिए इधर आइसोमेट्रिक ड्राइंग, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, उसके बाद फ्री हैंड स्केच, ठीक है, उसके बाद कन्वर्जन, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपको ड्राइंग के बारे में पढ़ना है, कि क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे हम रेडी करते हैं, नॉर्मली डायग्राम वगैरह के बारे में इसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जैसे रिवेट ज्वाइंट, ठीक है, ज्वाइंट वगैरह देख रहे हैं, ये सब के बारे में क्या करते हैं, इसके अंदर स्टडी करते हैं। फिर डायमेंशन वगैरह भी देखते हैं इधर, ठीक है, सब कुछ ड्राइंग के अंदर हम स्टडी कर लेते हैं। इसके अंदर ब्लॉक ज्वाइंट देख रहे हैं, सारा ज्वाइंट सब इधर लिखा हुआ है, ठीक है, टोटली इसके अंदर हम ज्वाइंट, रिवेट जो होता है, रिवेट नट वगैरह जो होता है उसके अंदर, ठीक है, वो सारी चीज काम क्या कर, डायग्राम इसके अंदर स्टडी करती है, कि भाई इसका डायग्राम कैसे हम मेक करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, किसके अंदर, ड्राइंग के अंदर, ठीक है। तो कौन सा ड्राइंग था हमारा बताइए फटाफट, देखिए था कौन सा था, मशीन ड्राइंग, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड पेपर था, चलिए अब थर्ड पेपर को देखते हैं। थर्ड पेपर हमारा हाइड्रोलिक एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, हमारा थर्ड पेपर हाइड्रोलिक और फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक से पता चल रहा होगा, जो हमारा जो ट्रैक्टर वगैरह जो वर्क करता है हाइड्रोलिक पे, ठीक है, लिफ्ट करने के लिए, हाइड्रोलिक और फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये किस बेसिस पे वर्क करता है, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, क्या क्या मेजरमेंट होता है, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है, हर एक चीज क्या होगा नोट हो रहा होगा, दिख रहा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इसके अंदर डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट वगैरह सबके बारे में स्टडी करना होता है। फिर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर को हम कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑन सरफेस, ये सारे के बारे में हम क्या करते हैं, एक एक करके स्टडी करते हैं, ठीक है, बायंसी एंड फ्लोटेशन, ठीक है, ये सारे अंदर हम किसके अंदर, हाइड्रोलिक एंड फ्लूइड मशीन के अंदर हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये सारा हमारा थर्ड पेपर था, इसके अंदर हम टॉपिक वाइज आपको एक एक करके दिखाते चल रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है, हर एक एक चीज पंप वगैरह इसी के अंदर स्टडी हम करते हैं, ठीक है। और बुक वगैरह लेना हो तो यहाँ पे बुक वगैरह का नाम लिखा हुआ आप ले सकते हैं, ठीक है, जिस पब्लिकेशन का आपको ठीक लगे। अब है हमारा चौथा नंबर जो पेपर है हमारा, कौन सा है, फार्म पावर एंड ट्रैक्टर, ठीक है, फार्म पावर एंड ट्रैक्टर हमारा फोर्थ क्या है, पेपर है। इसके अंदर हमें क्या क्या स्टडी करना होता है भाई, तो इसके अंदर चलिए दिखाते हैं क्या क्या स्टडी करना होता है। इसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, क्योंकि भाई फार्म में तो एनर्जी का ही काम आने वाला है, क्योंकि बिना एनर्जी के तो हम खेती वगैरह कर नहीं सकते, कृषि कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो फार्म, स्कोप ऑफ मैकेनाइजेशन, मैकेनाइजेशन, अब भाई मैकेनाइजेशन क्या होता है जब हम इसके अंदर पढ़ाएंगे तो बात करेंगे, ठीक है, तो अभी तो हम सिलेबस देख लेते हैं। मैकेनाइजेशन ऑफ सरफेस, प्रिंसिपल ऑफ
कंपोनेंट, ये सारी चीज किसके अंदर है, हमें फोर स्टॉक टू स्टॉक, ठीक है, फोर स्टॉक इंजन टू स्टॉक इंजन क्या होता है, तो ये सारे चीज हम किसके अंदर, ठीक है, फार्म पावर के अंदर हम स्टडी करते हैं। ठीक है, देखिए फार्म पावर ट्रैक्टर के अंदर हम स्टडी करते हैं। ठीक है, फार्म पावर ट्रैक्टर के अंदर हम स्टडी करते हैं, फिर फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल पंप सिस्टम, फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल पंप सिस्टम, ये सारा हम फार्म पावर ट्रैक्टर के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ नंबर का क्या था, लुब्रिकेंट वगैरह, कूलिंग सिस्टम। ठीक है, ये सारा जितना भी गवर्निंग पावर, पावर टिलर, ठीक है, कंपोनेंट, ये सारा चीज हम पावर टिलर कंपोनेंट, ये टोटली हम, ठीक है, कितना किसमें स्टडी करते हैं भाई, फटाक से देख लीजिए इधर, फार्म पावर एंड ट्रैक्टर के अंदर स्टडी करते हैं। चलिए अब हमारा पांचवा और आखिरी पेपर कौन सा है देख लेते हैं उसको। ठीक है, पांचवा और आखिरी पेपर हमारा वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, जैसा हमने बताया था। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर हमें क्या क्या स्टडी करना पड़ता है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स। ठीक है, तो इसमें इसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल आता है, तो देख सकते हैं क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में सबने बताया था, स्ट्रक्चर के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये सारा चीज के बारे में क्या करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। उसके बाद आइडियाज अबाउट एलॉयज, निकेल। ठीक है, मतलब हर एक मेटल जो हमारा मेटल होता है उसके बारे में स्टडी करना पड़ता है ब्रीफली अबाउट। ठीक है, उसके बाद हीट ट्रांसमिशन ऑफ स्टील। ठीक है, हीट कैसे वर्क करता है, हीट कैसे ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरे जगह जाता है, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। उसके बाद जनरल प्रोसेस के अंदर वेल्डिंग, सोल्डिंग, देखिए इधर सारा कुछ आपके आपको दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं वेल्डिंग वगैरह, ये कटिंग वेल्डिंग। ठीक है, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए इंट्रोडक्शन, उसके बाद एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी। ठीक है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग भी इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, देख लीजिए। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये बात भी हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। फिर आगे देख लीजिए इधर एस्टिमेशन ऑफ बिल्डिंग शॉप। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ बिल्डिंग शॉप, एस्टिमेशन ऑफ सीट मटेरियल शॉप, ये सारा चीज हम इसके अंदर क्या करते हैं, प्रॉपर वे में स्टडी करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, अगर बुक वगैरह लेना हो तो यहाँ से रिकमेंडेड है, बुक वगैरह रिकमेंडेड है, बुक वगैरह आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब भाई जैसा हमने बताया था क्या होता है, दो क्या होता है, लैब होता है, तो पहला आप देख रहे हैं फार्म पावर लैब। ठीक, फार्म पावर लैब, दूसरा कौन सा है, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी लैब, दो लैब है। ठीक है, इसके अंदर टॉपिक वाइज क्या करना पड़ता है, कॉपी रेडी करना पड़ता है, नोट करना होता है। ठीक है, अब जो हम क्या बताए थे कि तीन टंबक होता है, पहला देख लीजिए मशीन ड्रॉइंग टंबक है ना, पहला मशीन ड्रॉइंग टंबक देख लेते हैं, और कौन सा टंबक है भाई, दूसरा है हाइड्रोलिक एंड फ्लूइड मशीन टंबक, एंड लास्टली कौन सा होगा मेरा, देख लीजिए सॉयल साइंस एंड सॉयल मैकेनिक्स टंबक। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस था। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।